हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अब्दुल रहमान एंड यू आर वाचिंग नॉलेज फॉर ऑल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो लोग इंस्टाग्राम पे ऑटो लाइक का यूज़ करते हैं उनको जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, जो कि उनकी आईडी ब्लॉक हो जाती है या उनके काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो जब वो लोग फर्स्ट टाइम यूज़ करते हैं, या फिर एक नए अकाउंट से वो लोग किसी ऑटो लाइक साइट में जाकर साइन इन करने की कोशिश करते हैं ताकि वो फॉलोअर्स गेन कर पाए, या बार बार उसको यूज़ कर रहे हैं आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है या आप लॉग इन ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, ये वीडियो आपके लिए है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, थम्स अप देते बड़ा सा, और इंस्टाग्राम की वो सारी प्रॉब्लम्स की बात करूंगा जो कि इंस्टाग्राम में आपको ऑटो लाइक का यूज़ करने में आती हैं। तो अभी मैं आप लोगों को सॉल्यूशन बताऊंगा। तो चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। तो अभी हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ, और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, फॉलो ज़रूर करें। चलते हैं अपनी प्रॉब्लम्स की तरफ। फ्रेंड, जो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है लोगों को वो होती है ये वाली प्रॉब्लम्स। वो लोग जब लॉगिन करने जाते हैं तो उनसे वहाँ पर सिक्योरिटी कोड यानी कि ईमेल सेंड किया जाता है। यहाँ पे अगर आप लोग पहली बार लॉगिन कर रहे हैं, या फिर आप बार बार लॉगिन करते हैं, या फिर आप एक ऐसे अकाउंट से लॉगिन कर रहे हैं जो कि आपने न्यू क्रिएट किया है, उसके लिए आप लोगों को सिक्योरिटी कोड मांगता है। यानी कि अगर आप लोग सिक्योरिटी कोड नहीं देंगे, आप लोगों को जीमेल पे या फ़ोन नंबर आपने जो भी डाल के रखा होगा, आपको वहाँ पे वेरिफिकेशन कोड मांगता है। आपका यहाँ पे यूज़र नेम आएगा, आपके ईमेल पे वो सेंड करी जाएगी, लिंक सेंड किया जाएगा, पासवर्ड रीसेट या फिर करने के लिए किया जाएगा, और आपके कोड मांगेगा अगर आप एक न्यू अकाउंट या फिर ऑटो लाइकर को बार बार यूज़ कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर। अगर आप लोगों को यहाँ पे वेरिफिकेशन मांगता है, ख़ासकर इस टाइप का वेरिफिकेशन मांगता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप लोगों को वेरिफिकेशन मांगता है और आप लोगों से यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं या फिर बार बार ऑटो लाइकर में यूज़ करते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे आना होगा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को पहले से ही अपने इंस्टाग्राम पे खोल कर रखना होगा, ध्यान रखना होगा जो आपने इंस्टाग्राम अकाउंट खोला है वो आपके ऑफिशियल ऐप पे खोल के रखना होगा, और यहाँ पे आप लोगों को दिस वॉज मी पे क्लिक कर देना होगा। अगर आप होंगे वहाँ पे ऑटो लाइकर साइट में लॉगिन करने की कोशिश कर रहे होंगे तो आपके अकाउंट पे ये शो करता है, आप लोगों को दिस वॉज मी पे क्लिक करना होगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप लोगों को यहाँ पे सबमिट करने के लिए मांगेगा पिन, आपके ईमेल या फिर जो आपका फ़ोन नंबर है वेरिफिकेशन के लिए मांगेगा। अगर आप एक नया अकाउंट बनाते हैं इंस्टाग्राम पर और आप लोग डायरेक्ट उसको ऑटो लाइकर में यूज़ करने की कोशिश करते हैं तो वो डायरेक्टली ब्लॉक कर दिया जाता है, उससे डायरेक्टली बोल दिया जाता है कि आप पहले फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन कराइए, उसके बाद ही आप कोई और चीज़ कर सकते हैं। तो मेरी सलाह है कि आप लोग ओल्ड अकाउंट में ही ऑटो लाइकर का यूज़ करें। और रही बात, आप लोग अगर ऑटो लाइकर की साइट में साइन इन या साइन अप नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बना के रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और प्रॉब्लम फेस कर रहे हो और मैं नहीं बता पाया हूँ या मुझे नहीं समझ में आई, तो आप प्लीज़ कमेंट में करें, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बता दूंगा, नहीं तो आपकी प्रॉब्लम वहीं पर सॉल्व कर दूंगा, नहीं तो इसका नेक्स्ट पार्ट बना दूंगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, कोई भी सवाल सुझाव हो तो कमेंट करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अपडेट्स के लिए। तो और मैं आपसे एक और चीज़ भी बता दूं कि वो इंस्टाग्राम पे अगर आप जानना चाहते हैं कि इंस्टाग्राम के अकाउंट को यानी प्रोफाइल को पेटीएम से कैसे प्रमोट करते हैं, वो जल्द ही वीडियो आने वाली है। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास, काफ़ी सारे ईमेल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, वो वीडियो भी जल्द से जल्द आ रही है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए बाय।